समाधि मरण पाठ में हमेशा सुनते हैं कि समता से देह तजने में अच्छा भव मिलता है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि अगर कभी हमें मृत्यु प्रत्यक्ष आ जाए तो भयभीत ना हो के समता भाव हमारे बने रहें। उस समय ये सोचना चाहिए कि जीवन भयभीत होने से हम कोई उसका सामना करने से बच नहीं जाएंगे, जो होना है वो नियत पे टाल दीजिए और स्वयं अपने आप को नमोकार मंत्र में समर्पित कर दीजिए। नमोकार मंत्र का उच्चारण करने में इतनी ताकत होती है कि हमारे शास्त्रों में आया कि शुभम चक्रवर्ती को जब मृत्यु का सामना दिख रहा था, उसने नमोकार मंत्र का स्मरण किया, उच्चारण किया, तो देवता भी हाथ कांप गए, देवता भी छू नहीं सका। तो ऐसे मौके पर आप ग्रस्तों को नमोकार मंत्र का सहारा लेना चाहिए और अपने इष्ट जिस मूर्ति का तुमने दर्शन किया हो बार बार और आस्था का केंद्र हो, ऐसी मूर्ति का स्मरण करना चाहिए। जिस गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा हो उन गुरु का स्मरण करना चाहिए, तो उससे दो फायदे होंगे, एक तो संकट टल भी सकता है और दूसरा नहीं टला तो नियम से देव गति को प्राप्त होते हैं ऐसा मान।